नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं कि सर जो एडमिट कार्ड है ना भाई, वो दो दो एडमिट कार्ड प्रिंट हो रहे हैं, एक आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड और दूसरा आपका जो है सेंटर वाला एडमिट कार्ड। तो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि कौन कौन सा एडमिट कार्ड आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है, इसके अलावा भाई फोटो कौन सी लेकर जानी है, साथ ही साथ ड्रेस कोड क्या है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको बताया कि 10 तारीख से आपका एग्जाम है, अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो तो आपको एग्जाम देने से जो है रोका जा सकता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम में आपकी सारी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। उससे पहले भाई आप सभी के लिए एक बम्पर ऑफर आ चुका है, जो इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी दोस्तों, और जो PDF था भाई, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 75 रुपीज में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च कीजिए इंडियन रोजगार ऐप और आप जो है टेस्ट सीरीज और टेस्ट PDF को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर प्रीवियस ईयर की आंसर कीज के क्वेश्चंस को जो है इंक्लूड किया गया है। सो आप भी ट्राई कीजिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ में आपको जो है टेस्ट PDF मिल जाएगा और 75 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। डायरेक्ट आप जो है परचेज कर सकते हो, प्राइसेज डाउन कर दिए गए हैं। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई आपके, देखो यहाँ पर जो है मैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को भी आ जाना है, उसके बाद सबसे पहले ही आप स्लाइडर में नोट देख पा रहे होगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इन्होंने बताया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना भाई, उसमें आपको क्या क्या कंफर्म करना है। उसमें आपको कंफर्म करना है कि आपका जो एग्जाम है वो 10 से 14 तारीख के बीच ही है डेट भाई। उसके बाद आपको जो है अपर अल्फानुमेरिक जो है करेक्टर्स में आपका जो है रोल नंबर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा भाई, अगर आपने अभी तक जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो इस लिंक पर जो है जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है, इस प्रकार जो है इन्होंने बताया है, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड आपको जो है प्रॉपरली आपके एडमिट कार्ड पर दिखना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेना है भाई, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। सो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का जो है ऑप्शन आएगा, एक तो आपके पास आएगा भाई डाउनलोड होल टिकट, ये आपको जरूर डाउनलोड करना है, इसका कलर प्रिंट आउट लेके जाना है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएगा भाई क्लिक हेयर टू योर CBT एग्जाम सेंटर डिटेल। इसमें क्या है भाई, जो आपका एग्जाम सेंटर डिटेल है ना, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एग्जाम सेंटर शो करेगा। मैं एक बार दोबारा से जो है लॉगिन कर लेता हूँ भाई, ठीक है। आप सभी एक बार लॉगिन करोगे तो उसके बाद जो है आपको जो है आपका एग्जाम सेंटर डिटेल्स, मतलब आपका जो एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर ना वो क्या है, ये यहाँ पर आपको जो है शो करेगा, ठीक है। तो ये आप जो है आपको प्रिंट नहीं करके ले जाना, बाकी आप अपनी सुविधा के लिए जो है ये प्रिंट करके लेके जा सकते हो, ठीक है। एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर देखो भाई, प्रिंट एग्जाम सेंटर डिटेल में क्या है, आपको जो है आपका होल टिकट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपकी शिफ्ट, और यहाँ पे आपको सेंटर कोड दिखा देगा और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो है डिटेल्स दिखा देगा भाई, एग्जाम सेंटर की लैंडमार्क क्या नज़दीक है एग्जाम सेंटर के, वो दिखा देगा। इसको आप अपने साथ जो है प्रिंट कर सकते हो। उन्होंने बताया कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ दिस पेज अलॉन्ग विद होल टिकट एंड अदर पर्टिकुलर मेंशनड इन द होल टिकट। क्या कहा है भाई कि आपको जो है इसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है और आपको ये जो आपका एडमिट कार्ड है ना, इसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है। एडिशनली अगर मैं बात करूं, देखो आपको मैं यहां पे बता देता हूं आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको लेके जाना है अपने होल टिकट का प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट ले लेना दोस्तों, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको लेके जाना है भाई सेंटर डिटेल वाला प्रिंट आउट, ठीक है, सेंटर डिटेल वाला जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, सेंटर डिटेल का प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है भाई, ठीक है। उसके अलावा भाई अगर मैं बात करूं तो दो फोटो आपको लेके जाने हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड वाले रहने चाहिए, सेम एज एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड पे फोटो आया ना, वही जो फोटो आपको लेके जाने हैं भाई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो आपका ये फोटो आया ना, सेम यहाँ पे जो है आपको अपना एडमिट कार्ड वाला फोटो जो है लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो आपको लेके जानी है अपनी एक ID ओरिजिनल, ठीक है, ध्यान रखना ओरिजिनल। ओरिजिनल में आप क्या लेके जा सकते हो अपनी ID में, आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, आप जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल लेके जानी है भाई, ये चीज़ें आपको लेके जानी है। उसके बाद ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ ना, तो ड्रेस कोड को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो भाई देखो, स्लीपर वगैरह डाल के जाना, ठीक है, स्लीपर्स वगैरह डाल के जाना, साथ ही साथ भाई हाफ स्लीव जो है टी शर्ट पहन के जाना, ठीक है। कोई भी जो है नेकलेस वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है ईयरिंग वगैरह मत पहन के जाना, है ना, कोई भी चेन वगैरह मत पहन के जाना दोस्तों, कोई भी मेटल आइटम आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
मेटल आइटम क्या है भाई, प्रोहिबिटेड है, ठीक है, वो आपकी जो है बाहर ही रखवा ली जाएगी। तो ये हैं बेसिक हैं दोस्तों, ये आप जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, पेन वगैरह सब कुछ वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये ड्रेस कोड है, आई होप कि आप सभी के डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम सेंटर पर भाई एटलीस्ट 1 घंटा पहले ज़रूर पहुँच जाना, ताकि आपको जो है कोई भी जो है मतलब परेशानी का सामना न करे, क्योंकि उस टाइम पर एक तो जल्दबाजी रहती है भाई एग्ज़ाम के, ऊपर से कोई गलती ना कर दो आप सभी, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, बाकी आप भी जो है एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये जो है चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद जो है एंट्री नहीं दी जाएगी, और आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पर एग्जाम एडमिट कार्ड पर ही डिटेल दे रखी है। मान लो भाई यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट है, तो मॉर्निंग शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम 10 से 11:30 के बीच होने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, और लास्ट जो एंट्री टाइम है वो 8:30 है, इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। आई होप कि भाई आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 10 तारीख को है तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक, उनका डिटेल एडमिट कार्ड आ चुका है, 11 बड़ों का भी डिटेल एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है, 10 का MTS का है और 11 का फायरमैन का है, 12 का भी जो है यहाँ पे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर बड़ों का रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।